सुपर बाइक लगती है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा जो मेरे पास एनआर थी वो ज़्यादा बेटर कलर कॉम्बिनेशन था कि ये ज़्यादा बेटर है। मैट में है एक्चुअली, ये ग्लॉसी नहीं है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम लोग की संडे राइड हो रही है। आई थिंक एक महीने के अराउंड हो गया है कि संडे राइड नहीं हो पाई है। हर संडे और सैटरडे बारिश ज़रूर हो रही थी, एक महीना ऐसे ही चलता रहा। तो मेरी तो खैर बाइक निकली थी, मैं जबलपुर तक गया था बीच में, बट बाकी ग्रुप के राइडर्स रोमी वगैरह की किसी की बाइक नहीं निकल पाई है। तो इस संडे जो प्लान बना है वो कलिंजर का बना है। तो अभी बस रेडी हो गए और बाकी लोग भी रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं। 5-10 मिनट में हम लोग बस मिलेंगे। और बाइक वगैरह बाहर ऑलरेडी करके निकाल दिया, एक मतलब आई थिंक 10 दिन से घर के अंदर ही बाइक खड़ी हुई थी। तो दिखा देता हूँ आप लोग को बाइक। तो बाइक इज़ ऑल रेडी, फिर को स्टार्ट दे दिया जाए बाइक को। तो चलिए चला जाए। पूरी स्क्वाड आ गई है, सब रेडी। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम सब नागौद में, बस उसका वेट करेंगे। अगर आ गया तो ठीक है टाइम से, नहीं तो वेट करेंगे पवन का, बिकॉज़ वो छतरपुर से आ रहा है। तो चलो चला जाए, चलो। बस अगर बारिश नहीं हो ना तो बाइक चलाने के लिए इतना आइडल और बढ़िया मौसम हो रहा है ना, मतलब क्लाउडी है, अच्छी खासी हवा चल रही है, एक नंबर मौसम हो रखा है। तो जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं कलिंजर जो आज का लोके डेस्टिनेशन है, तो वहाँ अब तक हम लोग की एक भी राइड नहीं हुई है। बट कलिंजर से थोड़ा पहले एक बहुत अच्छा वाटरफॉल पड़ता है बृहस्पति कुंड, बट वहाँ पर जाना खुद में एक बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज जो उतरने का रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है और बहुत नैरो है, कोई सीढ़ी वगैरह से कुछ नहीं बनी हुई है। तो गियर्स वगैरह ये सब के साथ वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, प्लस थोड़ा बाइक के साथ भी प्रॉब्लम होती है बाइक ऐसे छोड़ के जाने में। थोड़ा क्लाउडी हो रखा है उस तरफ, आई होप कलिंजर तरफ बारिश ना मिले। बाइक की प्लस खुद की हालत खराब हो जाती है बारिश में चलाने में। तो सतना में तो ये 95 ऑक्टेन मिलता ही नहीं है। BMW तो मैंने कम पेट्रोल इसीलिए डलवाया
बिकॉज अभी जा रहे हैं कलेंजर, वहाँ पे एक्चुअली यूपी बॉर्डर लग जाता है एंड यूपी और यहाँ के प्राइस में आई थिंक 12 से 15 रुपए पर लीटर का डिफरेंस है। क्या हो गया, आगे रुकते तो वहाँ से करवाएंगे अपन फुल टैंक, कुछ नहीं तो चाय नाश्ते का तो पैसा बच ही जाएगा जितना डिफरेंस है। क्या दो मिनट उनको रेस्ट तो नहीं करना, 100 किलोमीटर से आया बंदा। ओ रेडी है वो, जबलपुर चल दे। रेंज अच्छी है ना? हाँ रेंज कितनी है इसकी? मतलब 14.5-15 तक देती है। नहीं नहीं रेंज टोटल किलोमीटर कितना जाता फुल टैंक में? फुल टैंक में अब तक ऐसे देखा नहीं यार, क्योंकि उस दिन ज्वेल सब चला रहे थे तो रीवा में 190 दिखा रहा था और बच्चा पता नहीं। मैं चलाता हूँ तो थोड़ा कम हो जाता है। चले पवन तो लगता है वापस छतरपुर जाने के मूड में। फोटो क्लिक करे, बहुत सुंदर लग रही है रोड यार, कितनी खींच दी है? 200 गई होगी मेरी, 255 यार मेरा हेलमेट 200 के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत करता भाई, पावर तो बम्पाड़ है यार इसमें, लेकिन यार बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा है यार, मतलब खींचने के जाना आपका गुद है खींच दो, वो वाली चीज है। 200 तक वो करेंगे तो एक बार ज़रा इसके ऐसे स्पीड टेस्ट कर रहे आई थिंक यहाँ से वहाँ तक 700-800 मीटर या मैक्सिमम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, देखते 1 किलोमीटर पे कितनी खींचती है गाड़ी।
खींचा जाया था। दो पैंतीस हैं चलो लव लो ना, मैं बना रहा हूँ ना। अरे मेरे को कहा तेरे भाई, अब दूसरी गाड़ी बहुत तो इसका मैंने अभी लॉन्च कंट्रोल चालू कर दिया, पता नहीं कैमरा दिख रहा होगा, KLCM कावासाकी की लॉन्च कंट्रोल मोड इसका ऑन कर दिया मैंने। अब ज़रा बाइक एक बार लॉन्च करके देखी जाए। ये आ गया यार, ट्रक आ गया साला। भाई बारिश तो लगता है बैंड बजा देगा, बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो गया। अरे शायद चालू हो गई है हल्की हल्की बारिश। कैमरा निकाल लो। तो कलंजर हम लोग आ गए एंड यहाँ पर मेरे को जो मेन फ्यूल फुल टैंक कराना था वो मैंने करा लिया है। एंड अब रेंज देखिए, इधर से 215 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है फुल टैंक में। अब नाश्ता मिल जाएगा यार, वैसे तो मिल जाना चाहिए, टाइम हो गया है, 9 बज गए। पर्यटक ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट मिल जाएगा नाश्ता भैया। अरे एक नंबर जगह लग रही है, बेहतरीन एसी चालू कर दो अब। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया डन और अब जा रहे ऊपर फोर्ट की तरफ। गर्मी भयंकर हो रही है अब तो, इसीलिए जैकेट्स वगैरह हमने उतार दिए हैं, आके ले लेंगे इनसे, भैया को बता भी दिए। बढ़िया ढाबा था, बट आलू का पराठा खाए, मज़ेदार था। कैमरा में जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट बहुत एक्चुअली बहुत सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ से। और बारिश की वजह से अच्छी खासी ग्रीनरी भी है। इतना डाउन पेमेंट जाता है? ये 10 लाख, ये 11 11 26 वो 18 की लाश वाली, ये निंजा वो 18 की पीछे वाली साइड में लगा के 20 लाख की Oh
एंट्री हो रही है अपनी। थोड़ी आस्था अपने अंदर बची है। तो चले जनता, चला जाए। क्या है, साड़ी वाड़ी पहन लिए, ब्लाउज और टाइट हो गया। चलो। ओ भाई, अरे बाप रे, तंदूर बन जाएगा बम का तो गरम। पवन निकल गया है सदरपुर के लिए, हम लोग पहुँच गए नागो। तब यहाँ से सतना है आई थिंक 20 किलोमीटर्स के अराउंड, 20-21 किलोमीटर्स के आसपास है, तो 10-15 मिनट पहुँचेंगे सतना। एंड शाम को मीटअप भी है, बाइक भी एकदम गंदी हो गई, बाइक भी क्लीन करानी हो, खुद की हालत भी ऐसी हो रही है, क्या बताएं, हाथ दुखने लग रहा है। धीरे धीरे मेरे को ग्लव्स पहनना की आदत डालनी पड़ेगी यार, बिल्कुल ग्लव्स पहनने की आदत। एकदम हालत कचड़ा हो गई है, इतनी गंदी लग रही है, तो चलिए कर देते हैं इसको साफ। अब लग रही है अपनी बाइक बढ़िया। तुम इसको बैठा के चला लो ना, तुम चला लो, पीछे बैठ जाएगा।